ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पोर्न एडिट का ब्रेन। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि एक ड्रग एडिट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है, सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद भी होता है। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट और पोर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, और ना सिर्फ ड्रग्स और पोर्न एडिक्शन बल्कि किसी भी एडिक्शन का ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है, इवन सोशल मीडिया एडिक्शन का भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पोर्नो को देखने से पहले 10 बार सोचोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार सोशल मीडिया एप्स को ओपन करते हैं जबकि बार बार हम बुक्स को तो कभी ओपन नहीं करते। वेल, इसका सिंपल सा रीज़न है और आप सभी को भी पता होगा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते जाना और स्क्रॉल करते टाइम हमें बहुत ही मज़ा आता है, हमें एक कमाल की फीलिंग होती है। और वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने को कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा। आप स्क्रॉल करोगे, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा। आप स्क्रॉल करते रहोगे और आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता रहेगा, और इस तरह से आपके घंटों निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसको नहीं पता उसे मैं बता दूं कि डोपामिन को डिजायर हार्मोन भी कहते हैं। यानी जब भी किसी काम को करते वक्त अगर डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामिन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज़्यादा मजा आता है उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं हमारे उस काम को फिर से करने के। अब सवाल ये आता है कि पोर्न देखना बुरा क्यों है और इसका ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, अपनी पसंद की कोई मूवी या वेब सीरीज देखते हैं या फिर कोई भी वो काम करते हैं जिसे हमें अच्छा फील होता है, और उस वक्त हमारे माइंड में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पोर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज करने लगता है, जिससे हमें अगर किसी चीज़ के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी होना बंद हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की, फिर उसका नॉर्मल डोपामिन से काम नहीं चलता। इसलिए स्टार्टिंग में जब कोई पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे कमाल की फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो फिर से पोर्न देखता है, और इस तरह से ये उसकी एक हैबिट बन जाती है और वो रेगुलर बेस पे पोर्न देखने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे यही कमाल की फीलिंग, यही डोपामिन उसे नॉर्मल लगने लगता है, और फिर उसे और ज़्यादा डोपामिन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और इसके लिए वो और ज़्यादा पोर्न देखता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता रहता है ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह एक सिगरेट से एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए, उसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6, और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। एग्जैक्ट यही चीज़ पोर्न देखने वालों के साथ भी होती है। 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने यह पता लगाया था कि ड्रग्स के एडिक्शन से ब्रेन के फ्रंटल लोब्स यानी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है, और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम लॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी ये शो करती है कि सिर्फ ड्रग्स लेने से ही फ्रंटल लोब्स खराब नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन एडिक्शन और पोर्न एडिक्शन से भी हमारा फ्रंटल लोब्स सिकुड़ने लगता है। आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो पोर्न से एडिक्ट होंगे, जिसको पोर्न देखने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा और नॉर्मल चीजों को करने में बोरियत होती होगी क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की, फिर नॉर्मल डोपामिन में भी आपको मजा नहीं आता और बोरिंग काम करने में तो आपकी जान निकल जाती होगी। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ाई करते वक्त लोगों को बोरियत होती है और कुछ को तो बहुत ज्यादा बोरियत होती है, और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का लेवल दिन पर दिन कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन का लेवल बढ़ता ही जाएगा, वैसे वैसे उसे और ज्यादा डोपामिन चाहिए होगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और वैसे वैसे उसे बाकी चीजों में मजा आना ही बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद में, और लगभग हर काम को करने में उसे आलस आएंगे। और जैसे जैसे आपका रिवॉर्ड सिस्टम खराब होने लगेगा तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा हर चीज को लेकर। आपका ब्रेन छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेने लगेगा, आपकी सेल्फ स्टीम और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल यह आता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? तो आंसर है यस। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे करें, यानी कि आज तक आप में से जो भी पोर्न देखते आए हैं अगर उनका ब्रेन थोड़ा भी डैमेज हुआ हो तो उसको सही कैसे करें। ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं उन्हें डोपामिन डिटॉक्स के द्वारा फिर से सही किया जा सकता है। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि आपको हफ्ते में कम से कम 1 दिन के लिए डोपामिन का उपवास रखना है, यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालत में अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है, और इसके लिए आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, यानी कि मोबाइल फोन, आपकी पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मस्टर्बेशन, आपके फेवरेट मोबाइल गेम्स और हर तरह के सोशल मीडिया से। कुल मिलाकर किसी भी हालत में आपको अपने माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है, और इसके लिए आप 1 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए चले जाओ और किसी भी हालत में अपने साथ मोबाइल फोन को नहीं रखना है और कोई भी वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और हो सके तो ऐसे में मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, बुक रीडिंग करें, राइटिंग वर्क करें, लेकिन किसी भी हालत में आपको वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और ये काम करते करते अगर आप बोर भी हो जाओ तो समझ लेना कि आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर रहने का मकसद यही है कि हमें किसी भी हालत में अपने ब्रेन को बोर करना है। और एक बार आपने अपने ब्रेन को बोरिंग काम करने की आदत डाल ली तो आपको नॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा और इंटरेस्टिंग काम करने में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और बाकी चीज़ें तो फिर भी आपके माइंड पर उतना असर नहीं डालती, लेकिन पोर्नोग्राफी आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा बुरा असर कर सकती है। और जब आप अपने ब्रेन को बोर करने की आदत डाल लोगे तो आपको नॉर्मल चीज़ों को करने में भी मज़ा आएगा और आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी।
और आपको हर काम को करने में आलस आना भी बंद हो जाएगा। ये तो था एडिक्ट के ब्रेन को सही करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहें और क्या करें कि जिससे एडिक्शन छूट भी जाए और फ्यूचर में हम कभी भी एडिक्ट ना हो। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट है सीक आउट अ रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। किसी भी हैबिट को छोड़ने का ये यूनिवर्सल लॉ है कि उस हैबिट को रिप्लेस कर दो किसी दूसरी हैबिट के साथ में। आपको ये देखना है कि किस टाइम पर सबसे ज्यादा आप रेगुलर बेस पे पोर्नो देखते हो और उसी टाइम के लिए आपको एक नई हैबिट डेवलप करना है और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए डेली आप उस टाइम पर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख सकते हो जिससे आप कुछ सीख सको, या फिर उस टाइम पर कोई इंस्पायरिंग मूवी देख ली जाए, या फिर कोई भी कॉमेडी वीडियोस देख ली जाए, या फिर उस टाइम पर कोई भी वो काम करो जो आपको पसंद हो। लेकिन याद रहे कि उस टाइम पर आपको पोर्न नहीं देखना है और उस वक्त आप जो भी काम करो उसको पूरे मजे के साथ करो। अगर उस वक्त आपको मजा नहीं आया तो आपका माइंड फिर से पोर्न की तरफ भागेगा बड़े मजे के लिए। तो उस टाइम पर आप कोई भी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो जो आपको पसंद हो, क्योंकि इसी वजह से आपकी बहुत बुरी लत छूटने वाली है। नंबर 2, आपको अपने आप को ये रियलाइज करवाना होगा कि पोर्न देखने से आपके माइंड पे और आपके फ्यूचर पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सब बकवास है, और जब उनके माइंड में ये बात बैठी है कि ये सब बकवास है तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए। जब तक ये बात आपके माइंड में नहीं जाएगी कि पोर्न देखना आपके लिए कितना बुरा है, तब तक आप शायद इसे छोड़ पाओ। सो ये थे 2 पॉइंट। इसकी जगह आप एक नई हैबिट को डेवलप कर लें, और सेकंड ये कि आप अपने आप को रियलाइज करवाएं कि पोर्न देखना कितना बुरा है आपके माइंड के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। और हाँ, याद रहे कि हफ्ते में एक दिन के लिए आपको डोपामिन डिटॉक्स या फिर डोपामिन का उपवास करना है। और जरा अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही मजा लेना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टर्म में आपको मजा लेना है? और लाइफ में एक मुकाम हासिल करके जो मजा आएगा वो पोर्नोग्राफी से कभी नहीं मिल सकता। सो आई होप कि इस वीडियो में कही गई बातें आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो पोर्न से एडिक्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।